और क्या हटाते, मान लो आप टीचर होते, पढ़ाई में से क्या हटाते, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब हटा देंगे। तुम रखते क्या केवल डांस? बस डांस, सुबह स्कूल में डांस करते जा रहे हैं और डांस करते बाहर आ रहे हैं। उल्टा हो गया। इसके अलावा कभी ऐसा लगा कि टीचर को यार सुनना है बहुत अच्छा बोल रहे? ऐसा नहीं होता, टीचर्स अपने जमाने की बातें करते, इतने पुराने पहाड़ चढ़ के जाते, कभी कोई ऐसा नहीं मिलता जो आपकी बात करता हूँ? टीचर्स बहुत रूड होते हैं। ऐसा कोई ऐसा टीचर भी है जो आपसे बहुत प्यार से बोलता है? आज हम तीन स्टूडेंट्स के साथ हैं, जिसमें एक फर्स्ट ईयर में, ये भी फर्स्ट ईयर में और ये फाइनल ईयर में। अच्छी बात यह है कि तीनों के पेरेंट्स ने इनको बेस्ट एजुकेशन देने की ठानी है, प्लानिंग भी की है, क्योंकि ये श्री राजेंद्र प्रसाद जी की बेटी हैं जो कमिश्नर थे, ये उन्हीं के बेटे हैं और ये एक अच्छे टीचर की बेटी हैं। तो इन तीनों के पेरेंट्स ने इनको बेस्ट एजुकेशन देने के लिए अपना पैसा खर्च किया, उसके बावजूद भी हम इनसे जानते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपके साथ बेस्ट करने की कोशिश की, क्या हमारा भारत का या आपकी पर्टिकुलर स्टेट का एजुकेशन सिस्टम ने आपको वो सब कुछ देने का क्षमता है या नहीं है उस सिस्टम में? तो पर्सनली आई थिंक कि जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसे लोग बच्चों को रटने के लिए ज्यादा वो करता है, फोर्स करता है, राधा उनको कॉन्सेप्ट समझाने को। अगर कोई भी एक सपोज एक चैप्टर या टॉपिक है, टीचर्स उसका कॉन्सेप्ट समझाने की जगह हमें उसको रटने के लिए कहते हैं कि ये फॉर्मूला है, ये ऐसे सॉल्व होगा, इसको रट लो, एग्जाम में यही सेम फॉर्मूला, यही मेथड यूज करना। हम लोग उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझाते हैं, तो उस कारण हमारा इंटरेस्ट भी कम होते जाता है, हमें लगता है कि बस रट लो लिख लो वही है, और हम उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते थे? 60 स्टूडेंट्स एक क्लास में। हां, दैट इज बैड पॉइंट। स्कूल में तो 42 के। सो यस, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम? ये ना जो चीज हमारे काम आनी चाहिए उसे खाते नहीं। वेरी नाइस पॉइंट। इट्स जो रियल लाइफ में काम आते हैं, ये सब चीजें हमारे रियल लाइफ में काम आने नहीं वाली। हां, जैसे क्या? जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना, उसमें क्या क्या करना चाहिए ये नहीं सिखाते हैं। और क्या सिखाते हैं जो काम में नहीं आने वाला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम काम आएगी। और जैसे और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमारे काम नहीं आएगा, मतलब जो हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उनके काम पर हमारे। तो आपको क्या लगता है आपके लिए क्या मिल जाए एजुकेशन सिस्टम से हमारे? तो जैसे आपकी क्या प्रॉब्लम है जो लगती है कि ये होनी, जैसे इन्होंने कहा बैंक अकाउंट में या ट्रैवलिंग की जानकारी मिले तो जियोग्राफी वाला बहुत अच्छे से सीखेगा, और कुछ स्कूल्स आजकल टूर भी कराते हैं। लाइफ स्किल से संबंधित मुझे लग रहा है आपको ये मन में है कि एजुकेशन सिस्टम में लाइफ स्किल्स बहुत अच्छे से नहीं सिखाई जा रही। क्या लगता है आपके जीवन का या लाइफ जो आपको मिली है, आप क्या उद्देश्य है उसका? अभी तक तो लाइफ का यही मोटिव हम लोग जाने हैं कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है, अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है और अपनी फैमिली का फ्यूचर अच्छा बनाना। फ्यूचर अच्छा पढ़ाई से बनेगा? हाँ, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल तरीका है कि हाँ, जो कहा वो मुझे अभी अभी तक यही सिखाते आ रहे पेरेंट्स टीचर्स। आपने इतना साल सिस्टम में पढ़ाई करी, खुद ये दिमाग नहीं चलता कि मेरा जीवन ये है? हमें उस टाइप से मोल्ड करते हैं कि हम सोचे वैसे ही कि पढ़ाई से ही सब होगा, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। आपको केवल डायरेक्शन दिया जाता है कि आप ये करिए, आप सोचिए मत कुछ। उनके पेरेंट्स या टीचर्स या गाइड्स जो भी होते हैं तो उनको एक डर होता है कि पता नहीं इसमें क्या है, और खुद के डिसीजंस भी नहीं ले पाते, उन लोगों को लगता है कि कुछ गलत हो गया। तो इससे तो बहुत नेगेटिविटी आ जाती होगी लाइफ में कि हमें ये करना था। मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं कि मुझे ये करना था पर पेरेंट ने मुझे नहीं करने दिया, तो अब मैं अपने पेरेंट्स से बहुत मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, वो उनसे जुड़ी हुई चीजों से भी नकारात्मकता आ जाती क्योंकि हमें जो करना था वो पेरेंट्स ने नहीं करने दिया। और ऐसे टाइम पर बहुत ज़्यादा निराशा या हताशा आती है, और इस दौरान हमें कोई भी एक ऐसा व्यक्ति भी मिल जाता है कई बार, जैसे 20s की एज में, टीनेज में अगर हमें पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम ऐसा सपोर्ट ढूंढते हैं जो हमारी हर बात में सहमति दे जाए, और फिर हम हो सकता है क्योंकि हमारी मैच्योरिटी लेवल वो नहीं होता तो हम गलत संगति में पड़ जाते हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स क्या करें? पेरेंट्स आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है पेरेंट्स से? सोचते भी हैं और पेरेंट्स की तरह उनको ना हमारे जैसा सोचना चाहिए। आपको भी यही लगता है? मतलब वो लोग उनके हिसाब से वो भी सही है, वो लोग ऐसे ही सोचते लेकिन वो हमारे हिसाब से नहीं सोचते। अच्छा, आपके हिसाब से उन्हें कैसा सोचना चाहिए? उन्हें मतलब हमारा पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करनी चाहिए।
पर वो अपने से ही देखते। मुझे लग रहा है आप कुछ अलग बताने वाले हैं। जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या करना है, व्हाट द पर्पस मोटिव ऑफ लाइफ। आपने सबसे ज्यादा इंस्ट्रक्शंस तीनों में से किसने दिए? मैं मोस्टली वही चाहती हूँ जैसे पापा जो कहते हैं, वो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके एक्सपेक्टेशंस को अचीव कर सकूं। आपने उनसे कभी आर्ग्यू किया किसी टॉपिक पे? हाँ, बहुत बार हम लोगों के पैसे भी नहीं उधर, मैं काउंसलर हूँ, मेरी चलेगी नहीं। पापा इनफैक्ट हमारी भी बातें सुनते हैं और अपनी भी बातें रखते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं उस चीज़ों की। दैट्स ग्रेट, दैट्स अ सिंबल ऑफ नाइस फैमिली, नाइस पेरेंट्स। ओके, आपने इंस्ट्रक्शंस लिए हैं हमेशा के? मम्मी और पापा दोनों से ही लिए, क्योंकि दोनों ही कभी अपनी बात रखी भी है कि नहीं मुझे ऐसा करना। मैंने रखी है, लाइक फॉर एग्जांपल बाहर जाने की बात, जिसके वो अपोजिट में थे, बट मैंने रखी और उन्होंने सपोर्ट किया। कभी ऐसा भी हुआ आप तीनों के साथ? हाँ, मुझे आपसे ही पूछना है कि आपने सबसे ज्यादा इंस्ट्रक्शन किसने दिए? क्योंकि कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे खुद से भी इंस्ट्रक्शन देने, मुझे अपने माइंड से पूछना बेटा आपको क्या करना है। खुद से बात करने की कला जानते हैं आप? कभी ऐसा भी टाइम आया कि आपको अपने पेरेंट्स से छुपाना पड़ा हो कुछ? ओके, वन वन एग्जांपल एग्जांपल व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था? पहले तो जब कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं किया या फिर यहाँ कुछ बताना नहीं पाया अच्छा खाने से हमारी फिटनेस अच्छी बनती है, अच्छी पुस्तकें पढ़ने से, अच्छी रियाज करने से आपकी वाणी में सरलता और मिठास आती है, वैसे ही मन में हमेशा अच्छे विचार आए या वो अच्छा सोचे हमारे लिए गलत रास्ते पर होने के बावजूद भी वो हमारा दिमाग प्योर रखे, इसके लिए आपके पास क्या है, क्या करते हो, या अभी कभी आपने इस बारे में सुना सोचा? मुझे लगता है अगर जैसे आपने बताया कि अगर आपको बॉडी अच्छी रखनी है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर वोकैबुलरी कम्युनिकेशन अच्छी रखेंगे तो आपका बोलने का तरीका अच्छा होगा। वैसे आई थिंक कि अगर आपका सराउंडिंग अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, तो आपका माइंड वैसे ही पॉजिटिव चलेगा। आप तो यू मीन टू से जस्ट योर मन इज वर्किंग अकॉर्डिंग द एनवायरनमेंट, ऐसी पोजीशन है कि आप बिना एनवायरनमेंट के भी हमारा मन अच्छा रहे, आपके चारों तरफ सिनेमा हो, जिम हो, आप जिम जाने की ना सोचें, सिनेमा हो आपका, मूवी देखने का मन ना हो, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो मन पर आपकी कि मुझे यही रास्ता। फिर जो बंदा लाइक विल पावर जिसका अच्छा हो। ओके, आपको क्या लगता है ऐसा होता है क्या मन को इंस्ट्रक्शन, मन की फिटनेस के लिए क्या करते हैं? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरी मतलब एक बहुत सीनियर, मैं टारसी में कहीं पब्लिक स्पीकिंग के लिए गया था तो एक प्रोफेसर थी रिटायर्ड, बताया कि मैं कभी बैठती नहीं हूँ, ये सुन रही हूँ। मैंने पूछा ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो बोला जब मैं अपनी गार्डनिंग करती हूँ थक जाती हूँ तो फिर मैं आके बैठ के अपना लिखाई करने लगती हूँ, तो अभी मेरे जो पैर थक गए थे अब मैं अपने हाथों से काम लेने लगी, अब जब मुझे लगा मेरे हाथ थक गए हैं तो फिर मैंने अपने कानों को काम दे दिया और मैं भजन सुनने लगी, फिर मुझे लगा कि अब कान भी थक गए हैं तो फिर मैंने अपना काम दूसरा दे दिया, मतलब कुल मिला के मैंने अपनी लाइफ की पूरी जो मेरी पावर्स हैं, हाथ पैर कान जो भी हैं, मैं इनको एक टाइम से सिस्टम में बाउंड करी, जिससे ये जो मन है कहीं ना कहीं नहीं, पांचों से तो कंट्रोल होता है, आंखों से देखा मन ने तो मन ने कुछ विचार कर लिया, तो उन्होंने कहा मैंने ये दे रखा था अपने कि आंखों से देखने का टाइम बेटा ही है 24 घंटे देखोगे पर इसे अच्छी खुराक देना है तो अच्छा कुछ देखना पड़ेगा, इंद्रियों और मन को अगर अच्छी चीजों में थकाने लगे तो फिर वो मुझे लगता है शायद बुरी चीजों में या जो हमारी लाइफ के पर्पस पूरे करने में अच्छी चीजें नहीं है वो नहीं होगी, तो इसके लिए आप कभी कुछ प्रयास और करते हो सर? जैसे कि मेरे को कभी ऐसा है कि आज फोन ज्यादा चला रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि अगले दिन फोन देखते ही नहीं पूरे 24 घंटे। क्या बात है, ताकि उससे ऐसा हो जाए कि फोन कम फोन के। और वैसे अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि ये गलत हो रहा है तो फिर मैं उसको करना तुरंत छोड़ देता हूँ ताकि वैसे आदत ना बनी रहे। वेरी गुड, आप जानते हो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो माँ चाहती है कि बच्चा जो है बहुत हष्ट पुष्ट रहे तो उन्हें खिलाने की खूब कोशिश करते हैं, पर वो बच्चे के दिमाग के बारे में नहीं सोचते हैं कि इसके जैसी बॉडी को मजबूत करना है वैसे दिमाग को भी मजबूत करना, इसके लिए क्या उपाय कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हो, प्लानिंग करते हो कोई कुछ है?